दोस्तों कैसे आप लोग देखिए, आज हम यहाँ पर एसएससी जीडी का जितने भी यहाँ पे मैंने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी लिखे हैं तो सभी का हम यहाँ पर कटअप बताने वाले हैं। और ये जो कटअप है ये फाइनल कटअप है जिन स्टेट्स का फाइनल कटअप बच गया था। साथ ही साथ ये डाउट बहुत बच्चों का रह गया था। देखिए एसएससी जीडी में जो बच्चे अप्लाई करने वाले थे कितने बच्चे हैं, 54 लाख के आसपास अप्लाई किए। ठीक है, ये मतलब कोई भी डाटा कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता। लगभग 54 लाख एसएससी जीडी में लगभग 54 लाख बच्चे अप्लाई किए हैं। तो देखिए 54 लाख बच्चे तक तो मेरा वीडियो पहुंच नहीं पाया। हर रोज कोई नया बच्चा आता है, यहाँ नीचे में कमेंट करता है कि सर मुझे मान लीजिए महाराष्ट्र का बता दीजिए कि एसटी का कितना जाएगा, और फिर मान लीजिए कि जनरल एरिया का कितना जाएगा, नक्सल या बॉर्डर एरिया का कितना जाएगा, तो इस तरह से पूछता है। तो मैंने सोचा एक ही वीडियो बनाते हैं जिसमें कि हम हर स्टेट का आपको जनरल ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस का बता देंगे, साथ ही साथ जनरल एरिया का क्या कटअप जाएगा, नक्सल या बॉर्डर एरिया का क्या कटअप जाएगा, वो भी हम एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए क्लियर कर दें, ताकि ये वीडियो जिन लोगों के पास भी पहुंचे उनको ये पता चल जाए कि मतलब अगर वे कितना मार्क्स ला रहे हैं तो उनको बॉर्डर एरिया मिलेगा, कितना मार्क्स ला रहे हैं तो नक्सल मिलेगा, और कितना मार्क्स ला रहे हैं तो उनको जनरल एरिया यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सभी में लिख दिया है जनरल, नक्सल और बॉर्डर। जैसे जनरल कैटेगरी, तो उसमें जनरल एरिया में कितना मार्क्स लाना होगा, मेल का फीमेल का, मतलब जितना भी डाउट्स आपको एसएससी जीडी से लेके है वो सभी डाउट्स इसी वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे और आप आराम से फिजिकल की तैयारी कर पाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर नागालैंड से शुरू किया। ठीक है, तो सबसे पहले नागालैंड का यहाँ पर लिख लेते हैं। मैं इस तरह से टिक कर दूंगा जिसका बताने वाला रहूंगा ना, पहले उसको टिक कर दूंगा। तो मैंने नागालैंड पर टिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ नागालैंड, ठीक है, ताकि बच्चों को क्लियर रहे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है ना, जैसे कि नागालैंड का क्या कटअप जा रहा है ये डिपेंड करता है उसके पिछले साल की वैकेंसी क्या थी, क्या कटअप था, और इस साल क्या वैकेंसी है उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ आंसर की, बच्चों का जो मैंने आंसर की देखा ना, जितने भी बच्चे का मैंने आंसर की देखा उसी के बेसिस पर और पिछले साल के कटअप पर ये फाइनल कटअप बन रहा है। इस चीज को आपको याद रखना है कि ये फाइनल कटअप है, कि फाइनल के लिए क्या कटअप होने वाला है जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें एसएसएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी सीआरपीएफ और बीएसएफ के लिए क्या कटअप होगा, और उसमें भी क्या कैटेगरी होगी। जैसे कि एसएसएफ में यूआर की क्या कटअप होगी, एसएसएफ में ओबीसी की क्या कटअप होगी, एसएसएफ में आपकी ईडब्ल्यूएस का क्या होगा, एससी का क्या होगा, एसटी का क्या होगा, उसी तरह सीआरपीएफ बीएसएफ ठीक है सीआईएसएफ इन सभी के कटअप्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम नागालैंड के बारे में बात करते हैं। तो नागालैंड में अगर बात करें, देखिए वीडियो थोड़ा फास्ट होने वाला है क्योंकि मुझे सभी स्टेट्स यहाँ पर बताने वाले हैं, तो आपको अच्छे से सुनना है। अगर आपका छूट जाता है तो आप यहाँ पर रिवाइंड करके फिर से वहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं। नागालैंड में बात करें अगर जनरल कैटेगरी की, मेल की, तो कितना 65, जनरल एरिया के लिए कितना 65 मार्क्स, ठीक है, और फीमेल को कितना, फीमेल को 63 मार्क्स। ये जनरल कैटेगरी का जनरल एरिया था। अब जनरल कैटेगरी का नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करते हैं, किसकी, जनरल कैटेगरी का नक्सल या बॉर्डर एरिया। तो जनरल कैटेगरी का अगर नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो कितना होगा 63 और 61, 63 मेल का और 61 फीमेल का। अगर उसके बाद बात करें हम ओबीसी, तो ओबीसी के लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे जनरल एरिया के लिए मेल कैंडिडेट को 60 मार्क्स लाना होगा, कितना 60 मार्क्स लाना होगा, और फीमेल को 61 मार्क्स लाना होगा। वहीं पर ओबीसी में अगर नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो नक्सल या बॉर्डर एरिया में ओबीसी को और मेल और फीमेल दोनों को कितना लाना होगा 57, कितना 57 मार्क्स। और ये फाइनल कट ऑफ है, ये क्या है, ये फाइनल कट ऑफ है। इतना मार्क्स अगर आप आ रहा है ना तो आपका फाइनल सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी के बाद यहाँ पर एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में 52 मार्क्स, ठीक है, 52 मार्क्स मेल कैंडिडेट को, ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो फीमेल को कितना 57, कितना 57 मार्क्स। एसटी कैटेगरी में नक्सली या बॉर्डर एरिया के लिए बात करें अगर, तो कितना होगा 50 और 61, कितना 50 मेल और फीमेल 61। अगर ये सब कटअप बताने के बाद, यहाँ पर जितने भी स्टेट्स देख रहे हैं सभी स्टेट्स के कटअप बताने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी में जनरल एरिया, तो एससी कैटेगरी में आपका जनरल एरिया में कितना है 53 और 55, तो 53 मेल का और 55 फीमेल का। वहीं पर एससी कैटेगरी में नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो नक्सल और बॉर्डर एरिया में कितना है आपका 53 और 47, कितना 53 मेल का और 47 फीमेल का। उसी के बाद ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में जो आपका है जनरल एरिया के लिए 51 और 49, कितना 51 मेल का और 49 फीमेल का, ये जनरल एरिया के लिए। बात करें अगर नक्सल या बॉर्डर एरिया तो कितना 45 और 46। अब नागालैंड के बाद हम दूसरे स्टेट को पिकअप करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको रब कर लेते हैं, ये जो भी पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अब नागालैंड का देखिए, मैंने यहाँ पर नागालैंड का बता दिया है और नागालैंड पर टिक कर दिया है, ठीक है। अब नागालैंड के बाद नेक्स्ट स्टेट को लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसको सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर। हाँ, तो देखिए
इसको हटा देते हैं और यहाँ से नागालैंड भी हटा देते हैं, ये हट गया नागालैंड। और देखो बच्चों, जिन बच्चों का यहाँ पर लग रहा है कि फिजिकल होने वाला है, तो फिजिकल अगर एक टाइम जाते थे दौड़ने तो दो टाइम जाना शुरू कर दो। और साथ ही साथ यहाँ पर मेडिकल का भी ध्यान रखना है, मेडिकल कोई आसान नहीं होता एसएससी जीडी का। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो पहले से उसको क्योर कराओ अगर कुछ ज्यादा, और बच के रहो ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो पाए मेडिकल में। देखिए एसएससी जीडी का मेडिकल और सब मेडिकल के अलावा बहुत हार्ड होता है, जैसे एसएससी में एमटीएस ये सब का कोई मेडिकल नाम का होता ही नहीं है रेलवे वेलवे में, एसएससी जीडी में बहुत ही हार्ड मेडिकल होता है। ठीक है, तो कोई आप ध्यान रखें कि आपको किसी तरह की इंजरी ना आए, ठीक है, किसी तरह की सीवियर इंजरी ना आए। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो नागालैंड के बाद जिस स्टेट का हम बताने वाले हैं वो आपका स्टेट कौन सा है, वो स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर मैं आंध्र प्रदेश लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आंध्र प्रदेश लिख दिया है, और सबसे पहली बात नागालैंड के बाद मैंने आंध्र प्रदेश पर टिक कर दिया है। तो अब हम आंध्र प्रदेश का कटऑफ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश का कटऑफ निकाल लेते हैं कहाँ पर है। तो ये मुझे आंध्र प्रदेश का कटऑफ, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश का कटऑफ मुझे मिल गया है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का जो कटऑफ है यहाँ पर अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी जनरल एरिया के लिए कितना जाएगा, 75 और 80, कितना 75 और 80। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अगर बात करें जनरल कैटेगरी नक्सल या बॉर्डर एरिया, तो उसके लिए कितना होगा, 70 और 73। देखिए थोड़ा फास्ट होने वाला है इसलिए आप लोग ध्यान लगा के फटाफट देखें। ओबीसी के लिए बात करें, देखिए मेल के लिए 67, ठीक है, और फीमेल के लिए 70, कौन सा एरिया, जनरल एरिया। ओबीसी में नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो मेल के लिए 55, ठीक है, और फीमेल के लिए बात करें तो 66। एसटी में जनरल एरिया मेल 59 और फीमेल 57। एसटी में नक्सल या बॉर्डर एरिया मेल 56 और फीमेल 55। यहाँ पर एससी में जनरल एरिया मेल 60 फीमेल 62। एससी में नक्सल या बॉर्डर एरिया मेल 58 फीमेल 60। ईडब्ल्यूएस में जनरल एरिया मेल 55 और फीमेल 50, और नक्सल या बॉर्डर एरिया मेल 53 फीमेल भी 53। ये आपका था आंध्र प्रदेश का, किसका, आंध्र प्रदेश का था। आंध्र प्रदेश के बाद अब दूसरा स्टेट बताने वाले हैं यहाँ पर। तो आंध्र प्रदेश का सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आंध्र प्रदेश का आप लोग जो भी बच्चे आंध्र प्रदेश के हैं यहाँ पर ध्यान से कटअप को देख लीजिए। मैंने आंध्र प्रदेश को यहाँ पर टिक भी कर दिया, अब इसका मिटा रहे हैं, अब दूसरे स्टेट का यहाँ पर लिखने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए मैं स्टेट रैंडम पिकअप कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक लाइन से कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना है, बने रहना है, ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये नहीं कि आप दूसरा स्टेट का देख ले, ठीक है, ये नहीं कि आप दूसरा स्टेट का देख ले, आपका स्टेट का नाम यहाँ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ रहता है, किसी भी स्टेट का मैं बताऊंगा तो चिंता ना करें, मैं वहां पर आप लोगों का नाम लिख दूंगा। तो अगर बात करें यहाँ पर फिजिकल के लिए, मैं अभी भी बोलता हूँ कि फिजिकल की तैयारी जम के करें अगर आप कटऑफ के आसपास आ रहे हैं, और ये सब फाइनल कटऑफ है, जितना भी मैं बता रहा हूँ ना ये सब क्या है, ये सब आपका फाइनल कटऑफ है। तो इस पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि आप मतलब देखिए आपको ये सब की टेंशन नहीं लेना कटऑफ का। एसएससी जीडी में आप लोगों ने एग्जाम दे दिया, अब जो भी मार्क्स आएगा आपका सिलेक्शन तो 100% पक्का है। आपको मेन ध्यान जो देना है वो फिजिकल पर देना है, किस पर, एसएससी जीडी में फिजिकल पर ध्यान दीजिए। एक टाइम अगर दौड़ते तो दो टाइम दौड़ना शुरू कीजिए, ताकि आपका जो फिजिकल है कोई भी कीमत पर ना छूटे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश को मिटा देते हैं, हम नेक्स्ट बताने वाले हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर रब कर देते हैं। तो अब दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा देखते हैं दूसरा स्टेट कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपका होगा गोवा, क्या होगा, गोवा। तो चलिए इस बार गोवा का नंबर है। ठीक है, तो गोवा के जितने भी बच्चे हैं आप लोगों का नंबर है, गोवा का बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं गोवा का निकाल लेता हूँ, गोवा का कहाँ पर है, हाँ गोवा का। देखिए गोवा में क्या होता है ना, गोवा में सिर्फ जनरल एरिया होता है, क्या होता है, सिर्फ जनरल एरिया होता है। ठीक है, तो अगर बात करें जनरल एरिया का, मेल का कितना जाएगा 65, फीमेल का 67। गोवा में ओबीसी का मेल का 55 और फीमेल का 54। गोवा में आपका एसटी का मेल और फीमेल दोनों का 50। ठीक है, और ये फाइनल कटअप है, ये फाइनल कटअप है। और एससी का गोवा में मेल और फीमेल दोनों का 53, मेल और फीमेल दोनों का 53। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 48, क्या है, 48 मेल और 45 फीमेल। तो ये आपका गोवा का था। अब गोवा के बाद हम दूसरा बताने वाले हैं, यहाँ पर हम गोवा पर टिक कर देते हैं। गोवा पर देखिए टिक हो गया है, तो यहाँ पर अब गोवा के बाद नेक्स्ट स्टेट को देखते हैं। इसको सबसे पहले यहाँ पर रब कर लेते हैं।
यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का स्टेट में रैंडम पिकअप कर रहा हूँ, पहले नागालैंड फिर आंध्र प्रदेश फिर गोवा, इस तरह करके मैं पूरा यहाँ वेस्ट बंगाल तक आ जाऊंगा, चिंता ना करें। साथ ही साथ मैं एसएसएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी इन सभी के बारे में भी आपको बताऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अभी कंप्लीट हमारे कितने हुए हैं, 1 2 3, कितने 3 कंप्लीट हुए हैं, बाकी को भी हम कंप्लीट करेंगे, चिंता ना करें। तो इसके बाद हमारा जो आता है गोवा के बाद, देखते हैं कौन सा हम पिकअप करते हैं। यहाँ पर गोवा हो गया ना, तो गोवा के बाद आपका आएगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर गोवा को हटा देते हैं और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका स्टेट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आपका जो भी स्टेट है स्टेट यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे अब मैं अरुणाचल प्रदेश का बता रहा हूँ, तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ। यहाँ पर अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो देखिए जनरल कैटेगरी जनरल एरिया मेल का 65, ठीक है, और फीमेल का कितना 63। ये फाइनल कट ऑफ है, बार बार मैं बोल रहा हूँ ये फाइनल कट ऑफ है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नक्सल या बॉर्डर एरिया में कितना है 63 और 57, ओबीसी की बात करूँ तो 60 और 55 है, ठीक है। ओबीसी में नक्सल या बॉर्डर एरिया में कितना है 57 53, एसटी जनरल एरिया 55 45 55 45, 55 मेल 45 फीमेल, एसटी नक्सल या बॉर्डर एरिया आपका 50 मेल और 43 फीमेल। अगर एससी जनरल एरिया की बात करें तो 55 मेल और 50 फीमेल, और यहाँ पर बात करें एससी नक्सल या बॉर्डर एरिया 53 मेल, ठीक है, और यहाँ पर बात करें 47 फीमेल। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 55 मेल, आप देख नहीं रहे, 55 मेल और 44 फीमेल, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें ईडब्ल्यूएस नक्सल या बॉर्डर एरिया अरुणाचल प्रदेश का कितना है आपका 49 और 41, कितना है 49 और 41। तो देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश का था। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं दूसरे स्टेट का, तो उसके लिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का जो लिखा हुआ है इसको हमको मिटाना होगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का जो लिखा हुआ है इसे मिटा लेते हैं, और आप लोगों को अपना स्टेट का वेट करना है ताकि हम आपका स्टेट का बताएं और आपके यहाँ पर सभी डाउट्स क्लियर हो जाए कि आपका कौन सा एरिया में होने वाला है, ठीक है। मुझे यहाँ पर सभी स्टेट्स कवर करने हैं, इसलिए मुझे थोड़ा यहाँ पर जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, फास्ट फास्ट करना पड़ रहा है। देखिए ये लाइन्स मिट गए हैं, मुझे फिर से यहाँ पर ये लाइनिंग देना होगा यहाँ पर, हाँ, तो ये लाइनिंग हम दे देते हैं फटाफट। ये हो गया ये लाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें मेल और फीमेल यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और स्टेट यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद जो हम बताने वाले हैं ये कौन सा है आपका राजस्थान, क्या बताएंगे हम राजस्थान, यहाँ पर हम राजस्थान लिख देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और सबसे पहली बात हम रेड से नहीं लिखते हैं, हम ब्लू से लिखते हैं ताकि आपको साफ साफ यहाँ पर, ब्लू से भी नहीं ब्लैक से, क्योंकि देखिए यहाँ रेड है यहाँ ब्लू है, बीच में आपका ब्लैक रहेगा तो आपको साफ साफ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर हम राजस्थान लिख देते हैं, तो राजस्थान। अब राजस्थान में कितने तरह के एरिया होते हैं, तो राजस्थान का सबसे पहले हम एरिया ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थान का कटअप निकालते हैं, राजस्थान का कटअप है कहाँ पर। तो राजस्थान में दो तरह का एरिया होता है, कितना तरह का, दो तरह का, एक जनरल एरिया होता है, दूसरा क्या होता है बॉर्डर एरिया होता है, क्या होता है बॉर्डर एरिया होता है, एक जनरल एरिया एक बॉर्डर एरिया। तो राजस्थान में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जनरल एरिया मेल का कटअप 125 जाएगा, कितना, ये फाइनल कटअप, ये क्या है फाइनल कटअप। फीमेल का बात करें तो फीमेल का कितना होगा 113, कितना 113। अगर यहाँ पर हम बात करें जनरल एरिया में जनरल कैटेगरी का बॉर्डर एरिया, तो कितना होगा 113, मेल का 113 और फीमेल का 100। अगर यहाँ पर बात करें ओबीसी जनरल एरिया, ओबीसी जनरल एरिया का मेल का 121 होगा और फीमेल का 112, फीमेल का 112, फीमेल का 112। अगर बात करें यहाँ पर अगर बात करें आपके ओबीसी में नक्सल या बॉर्डर एरिया में, तो मेल का 121 फीमेल का 97, मेल का 121 और फीमेल का 97। एसटी कैटेगरी में अगर बात करें तो कितना होगा 112 और 107, कितना 112 107। एसटी कैटेगरी में बॉर्डर एरिया में बात करें तो वह आपका कितना होगा 75 और 65, कितना होगा 75 और 65। अब एससी कैटेगरी में आपका जो जनरल एरिया है उसमें 98 और 95, ठीक है, 98 मेल का 95 फीमेल का। अगर यहाँ पर हम बात करें एससी कैटेगरी में नक्सल या बॉर्डर एरिया में, तो 107 और 100, 107 मेल का और 100 फीमेल का। अब आपका आता है ईडब्ल्यूएस, जिसका है
जिसका EWS में यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर जो आपका होगा ना 99 और 91, क्या होगा 99 और 91, ध्यान से समझे 99 और 91 SC कैटेगरी में बॉर्डर एरिया में मेल का 99, फीमेल का 91, EWS में जनरल एरिया में आपका बात करें यहाँ पर 107 और 100 होगा, क्या होगा 107 और 100 होगा। EWS में अगर बॉर्डर एरिया की बात करें तो 95 और 80 होगा, 95 मेल का 80 फीमेल का। ये सभी फाइनल कट ऑफ है, ये सभी बार बार मैं बोल रहा हूँ ये सभी फाइनल कट ऑफ है, मतलब अगर इतना मार्क्स ला रहे हैं तो आपका SSC GD में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इतना मार्क्स ला रहे हैं तो आपका SSC GD में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राजस्थान का हटा देते हैं, अब नेक्स्ट स्टेट का बताएंगे, राजस्थान हो गया है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट का बताने वाले हैं। चिंता ना करें, इसमें हम आपका सभी स्टेट को कवर कर देंगे ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है, किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो इसको पहले सबसे पहले हटा देते हैं, देखिए ये आपका हट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर समय देखें, अगर पूरा समय बचा तो हर स्टेट का बताएंगे, कोशिश हम करेंगे, मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं हर स्टेट का बता पाऊँ, ठीक है। ये ब्लैक इंक लगता है खत्म हो गया है, मुझे दूसरा इंक का यूज करना पड़ेगा। तो ये इंक है हमारा कौन सा, आपका रेड कलर का इंक का यूज करते हैं। तो राजस्थान के बाद जो हमारा होगा कौन सा होगा, ये राजस्थान के बाद हमारा हो जाएगा ओडिशा, क्या हो जाएगा ओडिशा, ओडिशा का, किसका ओडिशा का। तो अगर हम ओडिशा की बात करें तो सबसे पहले हम ओडिशा का यहाँ पर निकाल लेते हैं, ओडिशा का कहाँ पर गया, तो ओडिशा का कट ऑफ यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर ओडिशा की बात करें तो जनरल कैटेगरी का मेल का 80, फीमेल का 77, मेल का 80, फीमेल का 77, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी में आपका नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो मेल का 65, फीमेल का 67, मेल का कितना होगा, मेल का 65 और फीमेल का 67। ओबीसी जनरल एरिया की बात करें तो ओबीसी जनरल एरिया में जो आप लोगों का कट ऑफ है और कितना है 95 और 90, कितना 95 मेल का, फीमेल का 90। ओबीसी नक्सल या बॉर्डर एरिया में बात करें तो 70 और 65, कितना 70 और 65। यहाँ पर बात करें एसटी जनरल एरिया में तो एसटी जनरल एरिया में आपका है 65 और 64, क्या है 65 मेल का 64 फीमेल का। यहाँ पर एसटी अगर नक्सल या बॉर्डर एरिया में बात करें तो 62, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों का क्या है 62। ये फाइनल कट ऑफ है, बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये एसएससी जीडी के लिए फाइनल कट ऑफ है, इतना मार्क्स ला रहे हो तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। बात करें एससी कैटेगरी में जनरल एरिया में तो एससी कैटेगरी में आपका जो जनरल एरिया में होगा 73 और 63, 73 मेल का और फीमेल का कितना 63 एससी जनरल एरिया। अब एससी नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो कितना होगा आपका 55 और 60, ठीक है, 55 मेल का और 60 फीमेल का, 60 फीमेल का। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें जनरल एरिया में कितना होगा 53 और 55, क्या होगा 53 मेल का 55 फीमेल का। ईडब्ल्यूएस में अगर नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो 52 और 55, क्या होगा 52 और 55 मेल और फीमेल दोनों का। तो ये आपका हो गया ओडिशा, ठीक है। ओडिशा के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम मिटा लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि किसका करना है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये मिटाने वाला का टेंशन नहीं रहता, यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड रहता तो आप लोगों का फटाफट हो जाता है, ये बोर्ड है इसलिए आप लोगों का लेट लगता है, ठीक है, बताने में। यहाँ पर इस सभी को फटाफट मिटा लेते हैं, ठीक है। ओडिशा के बाद जो नेक्स्ट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट जो हम पिकअप करने वाले हैं वे आपका स्टेट है, बताता हूँ मैं, एक सेकंड आप रुक जाए, हाँ तो ये आपका कौन सा स्टेट है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये ब्लैक इंक का प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ तो देखिए ये ब्लैक इंक को मैंने यहाँ पर इस तरह से कर दिया है ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से, यहाँ पर दिखे। अब हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपका हम दिल्ली का बताने वाले हैं, किसका दिल्ली का। तो सबसे पहले हम दिल्ली का कट ऑफ निकाल लेते हैं, क्या करते हैं दिल्ली का कट ऑफ निकाल लेते हैं, दिल्ली, हाँ देखिए ये आपका जो दिल्ली का कट ऑफ होने वाला है ना, दिल्ली में सिर्फ जनरल एरिया होता है, क्या होता है जनरल एरिया। तो अगर बात करें यहाँ पर मेल का 115, फीमेल का 113, मेल का 115, फीमेल का 113 जनरल कैटेगरी का। ओबीसी का बात करें दिल्ली में ओबीसी का, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली मैंने लिखा नहीं है, अब मैंने दिल्ली लिख दिया, कंफ्यूजन क्लियर। तो अगर मैं बात करूं दिल्ली में ओबीसी का 106 और 111 कितना होगा, 106 मेल का, फीमेल का 111। अगर हम यहाँ पर बात करें दिल्ली में एसटी कैटेगरी का तो आपका 95 मेल और फीमेल दोनों का होगा, क्या होगा 95 फाइनल कटअप जाएगा 95, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी का तो 109 और 108, ठीक है, एससी कैटेगरी का 109 मेल का और 108 फीमेल का। अगर हम यहाँ पर बात करें EWS कैटेगरी में आपका क्या होगा 95 और 90 मेल का और 90 फीमेल का।
तो दिल्ली के बाद जो नेक्स्ट स्टेट है, यहाँ पर दिल्ली को मैंने टिक कर दिया है, दिल्ली के बाद हम नेक्स्ट स्टेट को उठाने वाले हैं। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए दिल्ली में सिर्फ जनरल एरिया होता है, ऐसे इसका सिर्फ जनरल एरिया बताएं, इसमें सभी होते हैं, उसमें हम सभी बताने वाले हैं, चिंता ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर इसे लिख लेते हैं सबसे पहले, देखिए इसके बाद हम बताएंगे कर्नाटक का, किसका, कर्नाटक। तो कर्नाटक का हम यहाँ पर देख लेते हैं, कर्नाटक, कर्नाटक का यहाँ पर कट ऑफ कहाँ पर है, कर्नाटक, कर्नाटक, हाँ तो कर्नाटक का मुझे मिल चुका है, ठीक है। कर्नाटक, कर्नाटक का बताते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कर्नाटक पर टिक कर दिया, तो देखिए मैं रैंडमली बता रहा हूँ, जैसे मैंने नागालैंड बताया, फिर आंध्र प्रदेश, इस तरह से रैंडम बता रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, ऐसा भेदभाव ना हो कि नहीं जिस जैसे लिखे हैं वही लोग का बता रहे हैं, हमारे नहीं बता रहे, इधर से भी उठा लेंगे, चिंता ना करें, ठीक है। तो अगर हम बात करें कर्नाटक, तो कर्नाटक में सिर्फ जनरल एरिया होता है, मेल का 50 और फीमेल का 49, मेल का 50 और फीमेल का 49 जनरल का, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में मेल का 48, फीमेल का 47, मेल का 48 और फीमेल का कितना होगा 47। अगर बात करें एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी में आपका 47 और 45 कितना है, 47 मेल का और 45 फीमेल का। अगर यहाँ पर हम बात करें एससी कैटेगरी, 42 और 40, तो 42 मेल का और 40 फीमेल का। अगर यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस, तो मेल और फीमेल का यहाँ पर दोनों का क्या होगा 40। ये फाइनल कट ऑफ है, ये क्या है, ये आपका फाइनल कट ऑफ है, कर्नाटक का फाइनल कट ऑफ हो गया। अब नेक्स्ट स्टेट का लिखते हैं, ठीक है, कर्नाटक का फाइनल कट ऑफ हो गया। अब नेक्स्ट स्टेट का लिखने वाले हैं कर्नाटक के बाद, तो ये कर्नाटक का सबसे पहले हटा देते हैं, ये आपका कर्नाटक का हट चुका है, ठीक है, ये आपका कर्नाटक का हट चुका है। थोड़ा लाइनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, इसको भी ठीक कर दिया जाए क्या, ये आप लोगों को लाइन ठीक से नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन अब अच्छे से दिखेंगे, अब आपको ये लाइन दूर से ही दिखेगा, ठीक है। तो कर्नाटक को मिटा के अब नेक्स्ट स्टेट जो उठाएंगे, देखते हैं कौन सा है, ठीक है। हाँ तो ये कर्नाटक को हटा दिया जाए, और नेक्स्ट जो स्टेट होगा आपका, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट देखिए, गुजरात है, असम है, हिमाचल प्रदेश, यूपी, इस लाइन से मैंने बहुत सारा उठाया, इस लाइन से एक भी नहीं उठाया, जैसे कि मणिपुर को उठाते हैं, किसको, मणिपुर को, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर का सबसे पहले हम यहाँ पर कट ऑफ निकाल लेते हैं कि मणिपुर का कट ऑफ है कहाँ पर, मणिपुर, मणिपुर, तो मणिपुर का कट ऑफ निकाल लेते हैं ताकि आप लोगों को बता पाए। हाँ तो मणिपुर मुझे मिल चुका है, मणिपुर में बात करेगा 70 और 85, ठीक है, 70 मेल का, फीमेल का 85, यहाँ पर जनरल कैटेगरी का। अगर बात करें यहाँ पर जनरल कैटेगरी में नक्सल या बॉर्डर एरिया में मणिपुर में आपका, तो कितना होगा आपका 65 और 65, क्या होगा, 65 मेल का और 65 फीमेल का, ठीक है, 65 मेल का और 65 फीमेल का। अगर यहाँ पर बात करें हम ओबीसी में, तो 69 और 79, ठीक है, जनरल एरिया के लिए 69 मेल का और 79 फीमेल का, 79 फीमेल का। अगर बात करें यहाँ पर 50 और 70, ठीक है, 50 मेल का और 70 फीमेल का, ओबीसी नक्सल या बॉर्डर एरिया। अब हम आते हैं एसटी कैटेगरी में, ठीक है, मणिपुर में एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो एसटी कैटेगरी में आपका क्या होने वाला है, देखिए ये सब फाइनल कट ऑफ है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सब क्या है, ये सब आपका फाइनल कट ऑफ है। 67 और 77 क्या है, जनरल एरिया के लिए 67 मेल का, 77 फीमेल का। एसटी कैटेगरी में अगर नक्सल या बॉर्डर एरिया के लिए बात करें, तो 53 और 60 है, कितना, 53 मेल का और फीमेल का कितना है 60। अगर बात करें एससी कैटेगरी जनरल एरिया, एससी कैटेगरी जनरल एरिया 75 और 50। अगर यहाँ पर हम बात करें एससी कैटेगरी जनरल एरिया, तो कितना है 75 और 50, ठीक है। एससी कैटेगरी नक्सल या बॉर्डर एरिया 50 और 47, कितना है 50 और 47। अगर यहाँ पर हम बात करें ईडब्ल्यूएस 67 और 61, ठीक है, 67 61 जनरल एरिया, नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें, तो ये आपका कितना होगा 63 और 50, कितना होगा 63 और 50 ईडब्ल्यूएस का। यहाँ पर हम लोग मणिपुर भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पर बनाते हैं मणिपुर के बाद, ठीक है। सबसे पहले इसे मिटा लेते हैं मणिपुर का डाटा को, नेक्स्ट स्टेट का लिखेंगे क्या। यहाँ पर देखिए बच्चों, जिनको जो भी डाउट है आपका सब क्लियर हो जाएगा कि आपका नक्सल एरिया में होगा, बॉर्डर एरिया में होगा कि जनरल एरिया में होगा। जिनका बच भी जाता है तो वे नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, जिनका अगर बच गया तो वे नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। ब्लैक वाला इंक लगता है खत्म हो चुका है, नेक्स्ट इंक को यूज करते हैं, ब्लू को करते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए, तो अगर यहाँ पर जो हम लोगों ने इससे भी मणिपुर लिया, इधर से कोई एक और ले लेते हैं हम, मेघालय ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मेघालय ले लेते हैं मणिपुर के बाद, ठीक है, यहाँ पर मेघालय हो जाएगा,
ये हो गया, क्या हो गया, मेघालय। तो मेघालय में अगर बात करें, आप यहाँ पर जितने ज्यादा कमेंट आएंगे मैं उसी स्टेट के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उसी स्टेट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। देखिए जो स्टेट सबसे ज्यादा कमेंट करेगा उस स्टेट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगर यहाँ पर मेघालय की बात करें तो मेघालय में आपके कितने हैं, मेल का 63, ठीक है, मेल का 65, फीमेल का 63। यहाँ पर आप लोगों को देखना है, ये कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, जनरल एरिया, नक्सल या बॉर्डर एरिया, ये आप लोगों को ध्यान से देखना है। मुझे हर स्टेट बताना है तो मैं ये आप लोगों को डिटेल में नहीं बता सकता। यहाँ पर बात करें अगर मेघालय में 63 और 61 नक्सल या बॉर्डर एरिया। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका कितना है, यहाँ पर ओबीसी में 55 और 63 ओबीसी में, ठीक है, जनरल एरिया के लिए, ठीक है। अगर ओबीसी में नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें, ओबीसी में नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो 53 और 61, कितना, 53 और 61। अगर एसटी कैटेगरी में जनरल एरिया की बात करें, देखिए अगर एसटी कैटेगरी में जनरल एरिया की बात करें तो आपका कितना है, ये मेघालय का बता रहे हैं ना, तो मेघालय का आपका 50 और 60, कितना है, 50 और 60 मेल का, फीमेल 60 का, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर बात करें एसटी कैटेगरी में नक्सल और बॉर्डर एरिया में तो आपका कितना होगा, 51 और 57, कितना, 51 और 57। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में जनरल एरिया, एससी कैटेगरी जनरल एरिया 53-54, कितना होगा, 53-54। एससी कैटेगरी नक्सल या बॉर्डर एरिया का आपका क्या होगा, 54 और 55, क्या होगा, 54 और 55। यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में आपका 57-56, आपका 57 मेल का, 56 फीमेल का। अगर ईडब्ल्यूएस में नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो 53 मेल का और 55 फीमेल का, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, मुझे जल्दी जल्दी बताना होगा क्योंकि मुझे हर स्टेट को कवर करना है। ये तो सिर्फ अभी मेघालय हुआ है, ठीक है, मेघालय के बाद नेक्स्ट स्टेट भी देखना पड़ेगा। तो फटाफट मेघालय को हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसे मिटाते हैं। मेघालय के बाद अब नेक्स्ट स्टेट देखिए, जिस स्टेट का सबसे ज्यादा कमेंट आएगा उस स्टेट का सबसे पहले बताएंगे, ठीक है। जिस स्टेट से सबसे ज्यादा कमेंट आएगा तो उस स्टेट से पहले आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका होगा कौन सा, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम का बताएंगे, ठीक है, मिजोरम। मिजोरम में अगर देखिए बात करें तो मिजोरम में आपका जो होगा यहाँ पर 63, ठीक है, 63 मेल का, 62 फीमेल का, जनरल कैटेगरी में, ठीक है। जनरल कैटेगरी नक्सल या बॉर्डर की बात करें तो ये आपका 60 और 61 होगा। ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में आपका कितना होगा, 59 और 57, कितना होगा, 59 और 57। ओबीसी नक्सल या बॉर्डर एरिया में बात करें तो आपके यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर आपका 56 और यहाँ पर आपका 52 होगा। एसटी कैटेगरी में बात करें तो एसटी कैटेगरी में आपका जो जाएगा जनरल एरिया का कितना जाएगा, 50 और 49, ठीक है। और एसटी कैटेगरी में नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो आपका कितना होगा, ये आपका 49 और ये होगा आपका कितना होगा, ये आपका 47 होगा। अगर एससी कैटेगरी में जनरल एरिया में बात करें तो जो ये सब फाइनल कट ऑफ है, ये क्या है आपका, फाइनल कट ऑफ है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये आपका कितना होगा, 46 और 47 और ये आपका 45 और 42 होगा। आप यहाँ पर मेल फीमेल देख लीजिए, देखिए मुझे इतने सारे स्टेट बताने, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि मैं हर किसी का बता पाऊँ, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी कमेंट करो। जिस स्टेट का सबसे ज्यादा कमेंट आएगा उस स्टेट का पहले बताएंगे। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस के जनरल एरिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका होगा 40 और 39 और ये आपका हो जाएगा 39 और 38। तो ये आपका था मिजोरम का, किसका, मिजोरम का, और ये फाइनल कट ऑफ था, ठीक है, रिजल्ट वाला कट ऑफ इससे कम ही रहेगा, ये फाइनल कट ऑफ है कि इतना पर 100% सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। तो मिजोरम के बाद अगर नेक्स्ट स्टेट का देखें तो नेक्स्ट स्टेट यहाँ पर पहले मिजोरम का मिटा देते हैं इस तरह से, तो ये मिजोरम का ये हो गया और ये एक बार में, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक इंक है, हम ब्लैक इंक से यहाँ पर फटाफट कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को पहचानने में, ठीक है। सबसे पहले ये बीच वाला लाइन भी खत्म हो चुका था तो देखिए जिस स्टेट का सबसे ज्यादा कमेंट आएगा उस स्टेट का सबसे पहले बताएंगे। मिजोरम कंप्लीट हो चुका है, तो मिजोरम के बाद यहाँ पर बात करें तो ये क्या होगा हमारा, गुजरात, क्या होगा, अब गुजरात को उठा रहे हैं, ठीक है, गुजरात। यहाँ पर हम गुजरात को सबसे पहले ले लेते हैं कि गुजरात यहाँ पर कट ऑफ कहाँ पर है, तो यहाँ पर मिजोरम हटेगा, अब गुजरात आएगा, क्या आएगा, गुजरात। तो गुजरात में अगर हम देखें तो गुजरात में आपका कितना है, 80-77, ठीक है, 80 मेल का, फीमेल का 77, 80 मेल का, फीमेल का 77। जनरल कैटेगरी में, जनरल एरिया में मेल का 80 मार्क्स, फीमेल का 77 मार्क्स। जनरल कैटेगरी में बात करें 78 और 73, नक्सल या बॉर्डर में 78 और 73। ओबीसी में बात करें जनरल एरिया की 77 और 75। अगर ओबीसी में नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो ये कितना होगा आपका, 76 और 72, कितना होगा, 76 और 72।
अगर हम एस टी कैटेगरी में जनरल एरिया में बात करें तो एस टी कैटेगरी में आपका जनरल एरिया में 69 और 57 होगा। क्या होगा? 69 और 57। देखिए ये जो मैं दो को बता रहा हूँ ना, एक मेल का है एक फीमेल का है, आपको ये चीज ध्यान देना है, ठीक है? ये चीज अपना आप ध्यान दीजिए। एस टी कैटेगरी में अगर नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो यहाँ पे कितना होगा? 60 और 55। क्या होगा? 60 और 55। अगर यहाँ पर एससी कैटेगरी में जनरल एरिया में बात करें तो कितना होगा? यहाँ पर 79 और 75। क्या होगा? 79 और 75। 79 मेल का, 75 फीमेल का। अगर यहाँ पर बात करें हम एससी नक्सल या बॉर्डर एरिया में तो 76 और 76 मेल और फीमेल का सेम होगा, 76 76। ईडब्ल्यूएस में अगर जनरल एरिया में बात करें तो 57 और 60 होगा। क्या होगा? 57 और 60। देखिए ये फाइनल कटअप है, ये क्या है? फाइनल कटअप यहाँ पर 55 और 47, ठीक है? तो गुजरात के बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेट का देखें, गुजरात ये कंप्लीट हो चुका है, तो गुजरात को यहाँ पर मिटा देते हैं, ठीक है? यहाँ पर गुजरात के बाद अब नेक्स्ट स्टेट गुजरात कंप्लीट। आप देखते हैं कौन सा स्टेट आता है, ठीक है? देखिए जिस स्टेट का सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा था उसी स्टेट का मैं बना रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिए। जिस स्टेट का सबसे ज्यादा कमेंट आएगा तो उसका डिटेल में बनाएंगे, बाकी का हम इसी तरह बना देंगे, ठीक है? बाकी का हम सिर्फ बता देंगे कितना से कितना के बीच में आपका कटअप जाने वाला है। यहाँ पर ब्लैक इंक को फिर से यहाँ पर यूज करना पड़ रहा है हमें, यहाँ पर ब्लैक इंक को फिर से यूज करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या होगा? नेक्स्ट है आपका असम। क्या है? असम। तो असम की यहाँ पर बात करें तो 66 और 63, ठीक है? जनरल एरिया का, जनरल एरिया का 66 63 मेल और फीमेल, ठीक है? अगर बात करें जनरल एरिया में नक्सल या बॉर्डर एरिया की तो असम में 65 और 60, कितना? 65 और 60। अगर यहाँ पर बात करें ओबीसी, ओबीसी जनरल एरिया में आपका कितना होगा? ओबीसी जनरल एरिया में, ओबीसी जनरल एरिया में 63 और 57, ठीक है? 63 और 57। ओबीसी नक्सल या बॉर्डर एरिया में कितना होगा असम का? 53 और 60, कितना? 53 और 60। एसटी जनरल एरिया में असम का आपका कट ऑफ होगा 60 और 48। क्या होगा? 60 मेल का 48 फीमेल का। एसटी नक्सल या बॉर्डर एरिया में अगर बात करें तो 52 मेल का 52 फीमेल का और 45 फीमेल का। अगर बात करें एससी जनरल एरिया तो एससी जनरल एरिया में जो कट ऑफ होगा असम का, असम की बात कर रहे हैं, किसकी? असम की, ठीक है? असम स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है? असम की बात कर रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पर टिक भी लगाया था कि मैं असम का बता रहा हूँ। तो असम स्टेट की अगर बात करें तो हम कहाँ पर है? एससी जनरल एरिया। तो एससी जनरल एरिया की कट ऑफ अगर बात करें तो एससी जनरल एरिया की कितनी? 57 और 53 फाइनल कट ऑफ जाएगी, कितना? 57 और 53 फाइनल कट ऑफ जाएगी। एससी नक्सल या बॉर्डर एरिया की जो फाइनल कट ऑफ है 47 और 54। क्या होगा? 47 मेल का, 54 फीमेल का। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस जनरल एरिया में आपका जो होगा, आपका कितना होगा? 50 और 50, कितना? 50 और 50। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस नक्सल या बॉर्डर एरिया तो कितना होगा? 47 और 47 कट ऑफ जाएगा। क्या जाएगा? 47 और 47 मेल और फीमेल का दोनों का सेम जाएगा। यहाँ पर असम के बाद अगर बात करें, ये आपका असम हो चुका है, ठीक है? असम के बाद नेक्स्ट स्टेट जिसका सबसे ज्यादा कमेंट आता है हम उसी का बताते हैं, ठीक है? अगर बात करें यहाँ पर नक्सल या बॉर्डर एरिया में तो कितना होगा? 75 मेल का और फीमेल का 65। यहाँ पर अगर बात करें ओबीसी जनरल एरिया, ओबीसी जनरल एरिया में कितना होगा? मेल का 93 और फीमेल का 91। ओबीसी नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो मेल का 87 होगा, ठीक है? और फीमेल का 89। एसटी कैटेगरी में बात करें तो एसटी का यहाँ पर कितना होगा? 97 और 76, ठीक है? एसटी कैटेगरी में नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो 90 और 67 होगा, ठीक है? 90 मेल और फीमेल दोनों है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फाइनल कट ऑफ है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आपका कितना होगा यहाँ पर? 90 और 70, कितना? 90 और 70, ठीक है? एससी कैटेगरी में नक्सल या बॉर्डर एरिया में बात करें तो मेल का 84 और फीमेल का 60 होगा, ठीक है? अगर बात करें ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में जनरल एरिया में 65 होगा, ठीक है? मेल का और फीमेल का 55। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर 60 और कितना होगा? 54। तो ये आपका था किसका? हिमाचल प्रदेश का। किसका? एचपी, हिमाचल प्रदेश। ये किसका कटअप था? हिमाचल प्रदेश का कटअप था, ठीक है? हिमाचल प्रदेश का कटअप था, ध्यान से सुनिए, किसका कटअप था? हिमाचल प्रदेश का। ये हिमाचल प्रदेश का कटअप था। अब नेक्स्ट स्टेट का हम बनाने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश के बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट का बनाने वाले हैं, ठीक है? हिमाचल प्रदेश जिस स्टेट का ज्यादा कमेंट आता है उसका डिटेल में बनाएंगे, बाकी का डायरेक्टली बता देंगे कि क्या जाने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश के बाद जो नेक्स्ट स्टेट हमारा जिसका सबसे ज्यादा कमेंट आया था, हिमाचल प्रदेश के बाद जो नेक्स्ट स्टेट है हमारा जिसका सबसे ज्यादा कमेंट आया था, वो स्टेट है हमारा वेस्ट बंगाल। क्या है? वेस्ट बंगाल। अब हम वेस्ट बंगाल का बनाने वाले हैं, ठीक है? हिमाचल प्रदेश के बाद किसका बनाने वाले हैं? वेस्ट बंगाल का, ठीक है? यहाँ पर लिख देते हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है? यहाँ पर
वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल का बनाने वाले। तो वेस्ट बंगाल में तीनों होता है, ठीक है, तीनों होता है, जनरल एरिया, नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया, तीनों होता है। तो हम वेस्ट बंगाल सबसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। और वेस्ट बंगाल हाँ, तो हमें वेस्ट बंगाल का मिल चुका है। तो वेस्ट बंगाल में अगर बात करें क्या जनरल कैटेगरी में मेल का 95 और फीमेल का कितना होगा, फीमेल का 91 जाएगा कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा 91। यहाँ पर वेस्ट बंगाल पर टिक लगा देते हैं। वेस्ट बंगाल गया कहाँ, यहाँ पर है, देखिए वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल पर मैंने टिक लगा दिया। अब जनरल कैटेगरी में ध्यान से समझिएगा, नक्सल एरिया में, नक्सल एरिया में क्या होगा आपका मेल कैंडिडेट का, नक्सल एरिया में कितना जाएगा 75 और 65, कितना 75 नक्सल का, 65 बॉर्डर का, ठीक है, नक्सल बॉर्डर। वेस्ट बंगाल में तीनों होता है, जनरल एरिया भी होता है, नक्सल एरिया भी होता है, बॉर्डर एरिया भी होता है। ये जनरल एरिया का कट ऑफ है मेल का, ये नक्सल का है, ये बॉर्डर का है। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल का कितना होगा 77 नक्सल का, 77 नक्सल का और 73 बॉर्डर का। अगर ओबीसी का जनरल एरिया के कट ऑफ की बात करें तो 81 मेल का, 73 फीमेल का। अगर यहाँ पर बात करें ओबीसी में नक्सल या बॉर्डर एरिया, तो मेल का कितना होगा 65 नक्सल और 63 बॉर्डर। यहाँ पर बात करें फीमेल कैंडिडेट का, तो फीमेल का कितना होगा 65 और 61, ठीक है, 65 नक्सल, 61 बॉर्डर। अगर यहाँ पर बात करें एसटी कैटेगरी जनरल एरिया, तो एसटी कैटेगरी में आपका जनरल एरिया में क्या होने वाला है 80 और 79, क्या 80 मेल का और 79 फीमेल का। एसटी कैटेगरी में नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो 73 और 75 नक्सल का और 75 बॉर्डर का मेल का, क्या मेल का, ठीक है। अब फीमेल का नक्सल या बॉर्डर का अलग होगा, जो कि आपका होगा 75 और यहाँ पर 73, क्या होगा 75 नक्सल का, 73 बॉर्डर का। एससी कैटेगरी में जनरल एरिया की बात करें तो आपका 81 और 80 होगा, क्या होगा 81 मेल का और 80 फीमेल का। एससी कैटेगरी में नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें 57 और 55 होगा, ठीक है, 57 नक्सल का और 55 बॉर्डर का, ठीक है, मेल कैंडिडेट का। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल का कितना होगा 67 और 55, ठीक है, 67 नक्सल का और 55 बॉर्डर का। अब बात करें ईडब्ल्यूएस जनरल एरिया की, तो 60 मार्क्स और यहाँ पर 59 मार्क्स होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो 55 और 53 मेल का, ठीक है, इसमें 55 हो गया नक्सल और 53 हो गया बॉर्डर एरिया के लिए फाइनल कट ऑफ। ये सब फाइनल कट ऑफ है वेस्ट बंगाल का। देखिए जनरल का यहाँ पर है, नक्सल का यहाँ है, और स्लैश के बाद किसका है, बॉर्डर वाला है, मेल और फीमेल दोनों का। ध्यान से आपको वीडियो को देखना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, वीडियो को स्किप करके ना देखे ताकि आपको समझ में ना आए। यहाँ पर बात करें फीमेल 57 और 55, ये वेस्ट बंगाल का था, किसका, वेस्ट बंगाल के बाद जो सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा था वो किसका आ रहा था बताते हैं हम। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं वेस्ट बंगाल का, ठीक है, ये जो वेस्ट बंगाल का है, तो वेस्ट बंगाल का इसको यहाँ पर साफ करने के बाद हम आपको बताते हैं कि किसका कमेंट आ रहा था। यहाँ पर वेस्ट बंगाल का ये क्लियर हो चुका है। यहाँ पर हम सबसे पहले एक लाइनिंग खींच देते हैं और ये आपका बन गया टेबल, ठीक है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के बाद जिस स्टेट जिसका सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा था वे कौन सा स्टेट है, हम ये बताने वाले थे आपको ना। तो वेस्ट बंगाल के बाद सबसे ज्यादा आने वाला था कौन था, उत्तर प्रदेश, यूपी, किसका था, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश का मैं बताने वाला हूँ। देखिए मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, हर स्टेट का बताऊंगा, लेकिन जिसका ज्यादा कमेंट आता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। और ये एसएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ के बारे में भी बताएंगे, चिंता ना करें। यहाँ पर अगर हम बात करें यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का यहाँ पर कट ऑफ निकाल लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो कट ऑफ है हम यहाँ पर देखिए जो यूपी का कट ऑफ है, अगर बात करें तो इसमें भी तीनों एरिया होता है, ठीक है। मेल की बात करें तो 120 जाएगा, कितना, जनरल कैटेगरी का मेल का कट ऑफ कितना जाएगा 120। ये क्या है, ये फाइनल कट ऑफ है, ये कितना है, ये क्या, ये फाइनल कट ऑफ है। अगर बात करें फीमेल की, उत्तर प्रदेश की फीमेल की बात करें तो कितना कट ऑफ जाएगा आपका 115, कितना 115 कट ऑफ जाएगा। आपको ध्यान से समझना है, यूपी में तीनों एरिया होता है, जनरल एरिया, नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया, तीनों एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जनरल एरिया का मैंने बता दिया, जनरल कैटेगरी का, जनरल एरिया का, जनरल कैटेगरी का नक्सल या बॉर्डर एरिया, तो देखिए नक्सल या बॉर्डर एरिया मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग है। यहाँ पर इस स्टेप को ध्यान से समझिएगा, जैसे कि मैं मेल के लिए बता रहा हूँ 100 और 96, तो 100 नक्सल एरिया के लिए, 100 किसके लिए, नक्सल एरिया के लिए, और 96 बॉर्डर एरिया के लिए, कौन सा, मेल के लिए, किसके लिए, जनरल कैटेगरी का मेल के लिए नक्सल या बॉर्डर एरिया का फाइनल कट ऑफ क्या है, फाइनल कट ऑफ। अगर हम बात करें फीमेल, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की, तो आपका 95 और 100, तो 95 नक्सल के लिए और 100 किसके लिए, बॉर्डर के लिए, फाइनल कट ऑफ फीमेल का।
जनरल कैटेगरी कंप्लीट। अब बात करते हैं ओबीसी के बारे में। ओबीसी में अगर जनरल एरिया में बात करें तो 117 और 115, 117 मेल का और 115 फीमेल का, ठीक है, 117 मेल का और 115 फीमेल का। अगर यहाँ पर हम बात करें ओबीसी में नक्सल या बॉर्डर एरिया मेल का, तो भी आपका कितना होगा 95 और 101, ठीक है, 95 नक्सल का और 101 बॉर्डर का, ठीक है, मेल कैंडिडेट का। अगर बात करें फिर फीमेल का, तो फीमेल का आपका कितना होगा 93 और 95, ठीक है, 93 नक्सल का और 95 यहाँ पर बॉर्डर का। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बार बार मैं बता रहा हूँ इस चीज को ध्यान रखना, इसलिए मैंने दोनों स्लैश देके लिखा है। एसटी कैटेगरी में अगर जनरल एरिया की बात करें तो 100 और 97, 100 मेल का और 97 फीमेल का। एसटी कैटेगरी में नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें, यहाँ पर एसटी कैटेगरी में 95 पर आपको मिलेगा नक्सल एरिया और 94 पर बॉर्डर एरिया, 95 पर नक्सल एरिया और 94 पर बॉर्डर एरिया मेल को मिलेगा। और फीमेल की बात करें तो फीमेल को 87 और 90, ठीक है, 87 पर नक्सल एरिया और 90 पर बॉर्डर एरिया। एससी कैटेगरी में अगर जनरल एरिया का फाइनल कटअप जो जाएगा उत्तर प्रदेश में 107 और 102, 107 मेल का जाएगा और 102 फीमेल का जाएगा। अगर एससी कैटेगरी में नक्सल एरिया बॉर्डर एरिया की बात करें तो मेल कैंडिडेट का 80 और 82 जाएगा, ठीक है, 80 मेल का 82 फीमेल का। देखिए जिस स्टेट का ज्यादा कमेंट आता है उस स्टेट के बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ, और जो बाकी स्टेट्स होते हैं उनके बारे में बस मतलब एक एग्जैक्ट बता देता हूँ कि इसके बीच में जाने वाला है। और जो स्टेट का बहुत ज्यादा कमेंट आता है, जो बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, तो उसका आंसर मतलब यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी में फीमेल में, तो फीमेल में आपका 80 यहाँ पर कितना होगा 80 और 81, ठीक है, नक्सल या बॉर्डर एरिया दोनों के लिए कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस जनरल एरिया में 115 मेल का 112 फीमेल का। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस नक्सल या बॉर्डर एरिया तो आपका होगा 81 और 95, 81 नक्सल एरिया 95 बॉर्डर एरिया। अगर बात करें यहाँ पर फीमेल का तो 85 और 86, क्या होगा 85 और 86। ये उत्तर प्रदेश का कटअप था, उत्तर प्रदेश का फाइनल कटअप, ये क्या था उत्तर प्रदेश का फाइनल कटअप। अगर हम यहाँ पर बात करें यूपी के बाद कौन सा स्टेट बताने वाले जिसका सबसे ज्यादा कमेंट आया था, तो ये हम बताएंगे यहाँ पर। तब तक आप लोग यहाँ पर अपना स्टेट का नाम कमेंट कर सकते हैं कि आप किस स्टेट से हो, ठीक है, आप किस स्टेट से हो, ठीक है, और कौन से कैटेगरी से हो, आप ये कमेंट कर सकते हो। उत्तर प्रदेश के बाद जो नेक्स्ट स्टेट का हम कटअप बताने वाले हैं, देखिए यहाँ पर मैंने वेस्ट बंगाल बता चुका है। देखिए यहाँ पर अगर हम बताएं नेक्स्ट स्टेट का जो कटअप हम बताएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं जो कि मिट चुका है, ठीक है, तो तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नागालैंड, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश, यूपी पर रेड टिक नहीं लगा है, रेड टिक कहाँ गया, रेड वाला, हाँ यूपी पर रेड लगा देते हैं, हाँ रेड हो गया, ठीक है। तो हम बताएंगे बिहार के बारे में, किसके बारे में, बिहार के बारे में, तो बिहार पर भी रेड टिक लगा देते हैं, ठीक है, ये हो गया बिहार, ठीक है, यहाँ पर बिहार लिख देते हैं, ये हो गया आपका बिहार। सबसे पहले हम बिहार का निकाल लेते हैं, ठीक है, बिहार हाँ, तो बिहार का हमें मिल गया है। बिहार का जो है आपका, आपको ध्यान से देखना, मैं स्पीड में लिखने वाला हूँ, ठीक है, कि हम मेल का बात करें तो 111 कितना 111, फीमेल की बात करें तो 109 कितना 109। अगर बात करें जनरल कैटेगरी में नक्सल या बॉर्डर एरिया का, तो मेल का 109, ठीक है, मेल का 109 और फीमेल का 107। अगर बात करें ओबीसी जनरल एरिया तो 105 होगा, कितना है? मेल का 105 और फीमेल की बात करें तो फीमेल का भी 104 होगा, कितना, ओबीसी या नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो 103 और 102, कितना 103 मेल का 102 फीमेल का। अगर जनरल एरिया की बात करें बिहार में तो एसटी का 95 कितना, एसटी का जनरल एरिया का 95 और फीमेल का 94, ठीक है, मेल का 95 फीमेल का 94। एसटी कैटेगरी में अगर बात करें यहाँ पर 92 और 93, 92 मेल का 93 फीमेल का। अगर एसटी कैटेगरी में यहाँ पर हम जनरल एरिया की बात करें तो 100 और 105, ठीक है, 100 और 105 होगा, ठीक है। एसटी कैटेगरी में अगर नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो आपका एसटी कैटेगरी में अगर नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो कितना होगा 97 और 102, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों आप ध्यान से देख सकते हैं, ये फाइनल कट ऑफ है बिहार के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों के लिए क्या होगा 90 होगा, ठीक है, और नक्सल या बॉर्डर एरिया में कितना होगा आपका बिहार में 87 कितना 80। देखिए आप बिहार के बाद जो नेक्स्ट स्टेट है आपका, लाइक करें, ठीक है, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके जाए, जिन भी स्टेट का हम बता देते हैं, ठीक है। तो बिहार के बाद अगर अब हम बताएंगे आपको नेक्स्ट स्टेट, ठीक है, तो बिहार को सबसे पहले मिटा देते हैं। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, जिन भी स्टेट्स का हम बता रहे हैं उस स्टेट्स के बच्चे लाइक करके जाए वीडियो को, ठीक है। बिहार के बाद ये नेक्स्ट स्टेट जो आपका रहेगा, मैं बताता हूँ कौन सा स्टेट रहने वाला है, तो बिहार को यहाँ से मिटा देते हैं, बिहार का मैंने बता दिया है। तो नेक्स्ट स्टेट जो आपका रहेगा, सबसे पहले यहाँ पर टेबल को रिक्रिएट कर लेते हैं, जो यहाँ पर टेबल है, हाँ ये रिक्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अगर बात करें नेक्स्ट स्टेट, तो नेक्स्ट स्टेट जो रहने वाला है, पहले देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है, बचा हुआ। तो देखिए
यहाँ पर अगर बात करें छत्तीसगढ़ बचा हुआ है, चंडीगढ़, केरल, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से स्टार्ट करते हैं, किससे? मध्य प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश पर यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश का बहुत ज्यादा कमेंट आया था, इसलिए मध्य प्रदेश से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश का कटअप, तो मध्य प्रदेश का कटअप सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। मध्य प्रदेश हाँ, तो हमें मध्य प्रदेश का कटअप यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट में क्यों पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का ये कटअप हम बताने वाले हैं, आप लोगों को ध्यान से देखना है। देखिए अगर मध्य प्रदेश का हम बताएं तो मेल का 119, ठीक है, और फीमेल की बात करें तो फीमेल का कितना जाएगा, 120, जनरल कैटेगरी का, जनरल एरिया के लिए। अगर आपको नक्सल या बॉर्डर नक्सल एरिया में चाहिए, मध्य प्रदेश में क्या होता है, नक्सल एरिया होता है, ठीक है। अगर आपको नक्सल एरिया में चाहिए तो मेल के लिए 95, ठीक है, और फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल के लिए कितना होगा, 103, फीमेल के लिए 103। ओबीसी में अगर जनरल एरिया में बात करें तो 121, और फीमेल की बात करें तो 124, फीमेल का 124। ओबीसी में नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो मेल का 100, ठीक है, मेल का 100 और फीमेल का 107, फीमेल का 107। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो मेल का 85 और फीमेल का 95। अगर यहां बात करें एसटी कैटेगरी में नक्सल या बॉर्डर एरिया के लिए, नक्सल एरिया के लिए, तो मेल का 79 और फीमेल का 87। आपको ध्यान रखना है, देखिए मैंने नक्सल या बॉर्डर दोनों क्यों लिखा है, मान लीजिए मुझे राजस्थान का बताना था तो उसमें बॉर्डर एरिया होता है, ठीक है, और अभी मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ उसमें क्या होता है, नक्सल एरिया, क्या होता है, नक्सल एरिया। ये बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अभी हम एससी कैटेगरी में है, तो एससी कैटेगरी में जनरल एरिया में मेल का 110 और फीमेल का जो है 108, कितना, फीमेल का 108। अगर बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी, तो यहाँ पर 76, ठीक है, 76 और 93 नक्सल या बॉर्डर एरिया में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 95 और 105, कितना, 95 मेल का और 105 फीमेल का मध्य प्रदेश में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में अगर नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो 55 और 70, ठीक है, 55 मेल का और 70 फीमेल का, नक्सल या बॉर्डर एरिया में। तो ये मध्य प्रदेश का कटअप था, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद अब नेक्स्ट स्टेट जो उठाने वाले हैं, देखिए जिस स्टेट का ज्यादा कमेंट आएगा उस स्टेट का हम बनाएंगे मध्य प्रदेश के बाद। तो इसको सबसे पहले हम मध्य प्रदेश का मिटा देते हैं, ठीक है, जो बचा खुचा स्टेट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, चिंता ना करें, जिनका ऐसे बच जाता है तो उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। तो मध्य प्रदेश के बाद जो आपका स्टेट है, देखते हैं यहाँ पर कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश के बाद किस स्टेट का सबसे यहाँ पर ज्यादा कमेंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम बना लेते हैं स्लॉट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर असम का मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ये नागालैंड हो गया, राजस्थान, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, आपका बच्चा छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ठीक है, केरला, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो अब हम बताएंगे यहाँ पर झारखंड का, किसका, झारखंड का, ठीक है, झारखंड का। तो हम सबसे पहले यहाँ पर झारखंड का लिख लेते हैं, देखिए हम झारखंड का बताने वाले हैं। तो हम झारखंड का कटअप सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं, झारखंड का जो कटअप होगा, तो यहाँ पर झारखंड का जो कटअप है सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखिए झारखंड का जो होगा ना, झारखंड का मेल का जनरल कैटेगरी का कितना, 105 जाएगा, कितना, 105। फीमेल का बात करें तो फीमेल का 99, अगर बात करें यहाँ पर 97 मेल का और फीमेल का कितना, 95। अगर यहाँ पर बात करें ओबीसी जनरल एरिया के लिए झारखंड में कितना लाना होगा, फाइनल कटअप 109 मेल को और फीमेल को कितना, 105। अगर यहाँ पर बात करें ओबीसी नक्सल या बॉर्डर एरिया के लिए, मेल कैंडिडेट को 100 मार्क्स लाना होगा और फीमेल कैंडिडेट को 93 मार्क्स लाना होगा। मैं एक चीज बता दूं, ये सब क्या है, ये फाइनल कटअप है झारखंड का, ये क्या है, झारखंड का फाइनल कटअप है। अगर बात करें एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी में झारखंड में आपका बात करें तो कितना होगा, 85 और 103, कितना, 85 मेल का और 103 फीमेल का। उसी एसटी कैटेगरी में अगर झारखंड की नक्सल एरिया में बात करें तो कितना होगा आपका, 80 और 101, कितना, 80 और 101, तो 80 मेल का और फीमेल का 101। अगर एससी कैटेगरी में जनरल एरिया में झारखंड में बात करें तो कितना होगा, 80 और 87 मेल का और 87 फीमेल का। अगर झारखंड के हम एससी कैटेगरी में नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें, क्योंकि नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो 75 और 85 होगा, क्या होगा, 75 मेल का और 85 फीमेल का। अगर यहीं पर ईडब्ल्यूएस में अगर हम जनरल एरिया की बात करें, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की जनरल एरिया में बात करें तो कितना होगा, 79 मेल का, 75 फीमेल का, 79 मेल का, 75 फीमेल का। वहीं ईडब्ल्यूएस में नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो कितना होगा, 76 मेल का और 75 फीमेल का। तो ये आपका था झारखंड का, किसका, झारखंड का। तो मैं झारखंड पर यहाँ पर एक रेड टिक लगा देता हूँ, ठीक है, झारखंड का। अब झारखंड के बाद में जो बताऊंगा यहाँ पर, झारखंड के बाद नेक्स्ट स्टेट का यहाँ पर मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम झारखंड का यहाँ पर मिटा देते हैं, यहाँ पर झारखंड का मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। तो ये आपका झारखंड का ये हो गया क्लियर। तो देखते हैं झारखंड के बाद कौन सा स्टेट होता है, देखिए हर स्टेट का बताएंगे, चिंता ना करें। तो यहाँ पर किसी बच्चे ने कमेंट किया था शायद, देखते हैं पहले देखने दीजिए मुझे, यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखने के बाद हम देखते हैं झारखंड के बाद जो आपका है यहाँ पर कौन सा स्टेट बचा हुआ है।
ठीक है। तो झारखंड के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो तमिलनाडु, इसका हम तमिलनाडु का बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे रफ कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं तमिलनाडु, ठीक है। देखिए हर एक तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में सिर्फ जनरल एरिया होता है। क्या होता है? जनरल एरिया होता है, ठीक है। तो मेल का कितना जाएगा 65, ठीक है, और फीमेल का कितना जाएगा? फीमेल का 62, फाइनल कट ऑफ। अगर बात करें ओबीसी तो ओबीसी का मेल का 63 और फीमेल का 60। अगर यहाँ पर बात करें एसटी का, मेल का 57 और फीमेल का कितना जाएगा? फीमेल का 55, फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तमिलनाडु का बता रहे हैं हम, तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेट तमिलनाडु, ध्यान से देखें, वीडियो को ध्यान से देखें। अगर बात करें एससी कैटेगरी का, मेल का 53 और फीमेल की बात करें तो फीमेल का 56। अगर यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस का मेल का 51 और फीमेल का कितना होगा? फीमेल का 58। तो ये आपका तमिलनाडु का कट ऑफ था। तमिलनाडु में सिर्फ जनरल एरिया होता है। तमिलनाडु में क्या होता है? तमिलनाडु में सिर्फ जनरल एरिया होता है। अब तमिलनाडु के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट को कवर करेंगे। तो तमिलनाडु का सबसे पहले हम यहाँ पर इसे क्लियर कर देते हैं। देखिए तमिलनाडु कंप्लीट हो चुका है। तमिलनाडु के बाद जो दूसरा है, बताते हैं हम आपको कौन सा स्टेट आप अभी बताने वाले हैं। इसको सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो ये हो चुका है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर तमिलनाडु पर एक टिक लगा देते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु पर लगा दिया है। तो देखिए मैंने इन सभी स्टेट्स को बता चुका हूँ। यहाँ पर बचा है चंडीगढ़, केरला, छत्तीसगढ़। यहाँ पर देखते हैं और कौन कौन सा स्टेट अभी यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का एक कमेंट आया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक कमेंट आया था, जैसा कि वो लोग बोल रहे थे कि आप छत्तीसगढ़ का नहीं बताते हो, तो आज हम छत्तीसगढ़ का बताने वाले हैं। देखिए मेल का 87, फीमेल का 89, मेल का 87, फीमेल का 89, जनरल एरिया के लिए, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ में बात करें नक्सल एरिया के लिए तो मेल का 75 और फीमेल का 78, मेल का 75 और फीमेल का कितना होगा? 78 होगा, फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं छत्तीसगढ़ का। ये क्या है? फाइनल कट ऑफ है। ओबीसी की अगर बात करें जनरल एरिया का तो कितना होगा? 85 और 91, कितना? 85 और 91। अगर ओबीसी नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो ओबीसी नक्सल या बॉर्डर एरिया में क्या होगा आपका? 72 और 85, क्या होगा? 72 और 85, 72 मेल का, 85 फीमेल का। एसटी का बात करें, देखिए यहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ में हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपको कितना होगा? 80 और 80, जनरल एरिया में क्या होगा? 80 और 80, नक्सल या बॉर्डर एरिया में होगा आपका 67 और 75। छत्तीसगढ़ का एससी का जनरल एरिया का अगर बात करें, एससी का जनरल एरिया का बात करें तो 83 और 85, 83 मेल का, 85 फीमेल का। अगर नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो 70 और 80, कितना? 70 और 80, फाइनल कटअप जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 77 और 73, मेल और फीमेल का, जनरल एरिया का। ईडब्ल्यूएस में नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें 65 और 70। देखिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बाद जो नेक्स्ट स्टेट होगा ये किसका था? छत्तीसगढ़ का, जो मैंने बताया था ये किसका था? छत्तीसगढ़ का था। तो छत्तीसगढ़ को मिटा देते हैं यहाँ पर, और छत्तीसगढ़ पर यहाँ पर टिक भी लगा देते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बाद जो नेक्स्ट स्टेट देखते हैं कौन सा हम बताने वाले हैं। सबसे पहले ये बना लेते हैं, ठीक है, ये इसको क्लियर कर लेते हैं इस तरह से। हाँ, तो ये हो गया आपका। तो छत्तीसगढ़ के बाद आप देखते हैं ये कौन सा स्टेट है नेक्स्ट। तो छत्तीसगढ़ के बाद आपका है यहाँ पर चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़, यहाँ पर चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ पर रेड टिक लगा देते हैं। ये आपका है चंडीगढ़, यहाँ पर चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ में सिर्फ जनरल एरिया होता है। चंडीगढ़ में अगर हम बात करें 85 और 90, मेल का जनरल कैटेगरी कट ऑफ कितना जाएगा? मेल का 85, फीमेल का 90। अगर चंडीगढ़ में बात करें ओबीसी का 83 और 87, ओबीसी का क्या होगा? 83 और फीमेल का 87। अगर बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी में 77 और 83, 77 मेल का, 83 फीमेल का। अगर यहाँ पर बात करें 80 और 85 एससी कैटेगरी का, 80 मेल का, 85 फीमेल का। अगर यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस का फाइनल कट ऑफ 75 और 80, क्या होगा? 75 मेल का, 80 फीमेल का। ये आपका चंडीगढ़ का था। किसका था? चंडीगढ़ का। तो चंडीगढ़ का था, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर चंडीगढ़ का क्लियर कर देते हैं। ये चंडीगढ़ का कट ऑफ था। जो लोग चंडीगढ़ से होंगे वो देख चुके होंगे। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, चिंता नहीं करना है। मान लीजिए कि इस वीडियो में हम आपको नहीं बता पाते, आपका स्टेट क्लियर नहीं कर पाते, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चंडीगढ़ के बाद यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, ठीक है। तो देखिए वीडियो काफी लंबा हो रहा है ऐसे, तो ये हो गया आपका चंडीगढ़ के बाद। अगर हम देखते हैं इसको तो चंडीगढ़ क्लियर हो गया। तो आपका यहाँ पर बचा
देखते हैं यहाँ पर पहले ढूंढ लेते हैं कि वे कट ऑफ रेडी है कि नहीं, जो स्टेट का मैं बताना चाह रहा हूँ उस स्टेट का कट ऑफ रेडी है या है भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर बात करें केरला की, किसकी, केरला की। ठीक है, केरला से हमारे बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, केरला से हमारे बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, मैं यहाँ केरला लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए केरला का बता रहा हूँ। ठीक है, केरला का कट ऑफ बता रहे हैं। तो केरला का कट ऑफ की अगर बात करें तो देखिए मेल का 81, फीमेल का 95। ठीक है, मेल का 81 जाएगा, फीमेल का 95। इसका जनरल कैटेगरी का जनरल एरिया का, जनरल कैटेगरी का नक्सल या बॉर्डर एरिया केरला में जो होगा फाइनल कट ऑफ अगर कितना जाएगा, 65 और 80। 65 मेल का, 80 फीमेल का। अगर यहाँ पर बात करें ओबीसी का तो 80 और 93। ठीक है, मेल और फीमेल। ओबीसी नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो 64 और 79। एसटी कैटेगरी में जनरल एरिया में बात करें तो 61 और 77। अगर एसटी कैटेगरी में नक्सल या बॉर्डर एरिया में बात करें तो 55 मेल का और फीमेल का कितना, 67। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें एससी कैटेगरी में 57 मेल का, ठीक है, और 79 फीमेल का। अगर यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी में तो मेल का 54 और फीमेल का 70, और ईडब्ल्यूएस में 50 मेल का और 65 फीमेल का। ईडब्ल्यूएस नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो 45 मेल का और 53 फीमेल का। यह आपका किसका था, केरला का, किसका, केरला का था। ठीक है, तो केरला के, ये केरला का कट ऑफ था, फाइनल कट ऑफ क्या था, ये केरला का आपका फाइनल कट ऑफ था। तो अब इसके बाद हम बताने वाले हैं दूसरे स्टेट का। तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, ब्लू कलर के इंक से इसको हम अच्छे से ऐसे कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को पहचानने में, और ब्लैक से लिख देंगे आप लोगों को फुल्ली क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर केरला मैंने बताने के बाद क्या उसे टिक किया था, हाँ केरला को मैंने टिक कर दिया। तो आपका बचा कौन सा स्टेट, कौन सा स्टेट, यहाँ पर त्रिपुरा, तेलंगाना, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं बताने का जिसका सोच रहा हूँ वो आपका केरला के बाद क्या होगा, केरला के बाद आपका मैं सोच रहा हूँ पहले देख लेता हूँ यहाँ पर कौन कौन सा स्टेट यहाँ पर सबसे पहले प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, प्रिपेयर हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका त्रिपुरा, तेलंगाना, ठीक है, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ जम्मू एंड कश्मीर का मुझे सामने में दिख रहा है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है आपका मेल का 70, फीमेल का 67। ठीक है, मेल का 70, फीमेल का 67, जनरल कैटेगरी जनरल एरिया। जम्मू एंड कश्मीर में अगर बॉर्डर एरिया की बात करूँ तो बॉर्डर एरिया का 50 मार्क्स मेल का, ठीक है, और फीमेल का 70 मार्क्स। अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी का जम्मू कश्मीर में जनरल एरिया में फाइनल कट ऑफ 53 मेल का और 55 फीमेल का। अगर जम्मू एंड कश्मीर में बात करें ओबीसी नक्सल या बॉर्डर एरिया तो मेल का 47 और फीमेल का 50। अगर यहाँ पर बात करें एसटी कैटेगरी, मेल का 45 और फीमेल का 50, फीमेल का कितना, 50। एसटी कैटेगरी में अगर बात करें मेल कैंडिडेट का 52, फीमेल कैंडिडेट का कितना, 48, फीमेल का कितना, 48। एससी कैटेगरी में मेल का 47 और फीमेल का 70 जनरल एरिया में। एससी कैटेगरी में अगर बॉर्डर एरिया में जम्मू कश्मीर की फाइनल कटअप की बात करूँ तो मेल का 43 और फीमेल का 72। ईडब्ल्यूएस में आपका मेल का 42 और फीमेल का 55 जनरल एरिया। ईडब्ल्यूएस में नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो 40 मेल का, 45 फीमेल का। कि आपका किसका था, जम्मू एंड कश्मीर का, किसका, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के बाद यहाँ बचा महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा। ठीक है, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, ये मैंने किसका बताया है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये कट ऑफ किसका है, जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान से देखो, ये कट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का है। जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी लोग हैं उनका कोई और डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर का था, इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेट का यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर ये हो गया आपका क्लियर। जम्मू एंड कश्मीर के बाद अगर हम देखें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट जो है यहाँ पर सबसे पहले उसका बताएंगे। हाँ, तो ये आपका हो गया। हाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर के बाद जो आपका होगा यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद आपका बचा है यहाँ पर त्रिपुरा, तेलंगाना, महाराष्ट्र। ठीक है, देख रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र का कट ऑफ है, किसका, महाराष्ट्र का। ठीक है, यहाँ पर अगर महाराष्ट्र की कट ऑफ की बात करें, ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर क्लियर रहे। ठीक है, ये किसका, महाराष्ट्र का कट ऑफ है, और जो आप लोगों, जो भी स्टेट का चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो महाराष्ट्र की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट का कितना है, मेल कैंडिडेट का 98 जनरल एरिया का। ठीक है, फीमेल का कितना जाएगा, फीमेल का महाराष्ट्र का जो आपका कट ऑफ होगा 97, कितना, 97। तो जनरल एरिया में ही अगर नक्सल एरिया की बात करें तो नक्सल एरिया का 75 होगा मेल का और फीमेल का 93 होगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 95 और 92 मेल का, 92 फीमेल का। अगर बात करें ओबीसी में नक्सली या बॉर्डर एरिया तो मेल का 73 और फीमेल का 91
अगर जनरल एरिया की बात करें एसटी कैटेगरी में तो 85 और 90 कितना होगा, 85 मेल का, फीमेल का 90। एसटी कैटेगरी में अगर बात करें नक्सल या बॉर्डर एरिया तो कितना होगा, 87 और 96। अगर बात करें एससी कैटेगरी जनरल एरिया, एससी कैटेगरी में जनरल एरिया 81 और 95, और यहाँ पर एससी कैटेगरी में नक्सल या बॉर्डर एरिया तो 80 और 90 क्या होगा, 80 और 90। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो 77 और 75। अगर बात करें नक्सल या बॉर्डर एरिया की तो वह कितना होगा, 55 और 60। ये किसका था, महाराष्ट्र का, किसका, महाराष्ट्र का था। तो महाराष्ट्र पर टिक लगा देते हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र भी क्लियर हो गया। आपका बचा यहाँ पर पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा। क्या बचा, पंजाब, तेलंगाना और त्रिपुरा। अगर देखिए कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिसके कारण आप अपने स्टेट का कटऑफ नहीं देख पा रहे हैं, या कोई भी प्रॉब्लम लिखावट से आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर महाराष्ट्र के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट की, तो वह जो आपका नेक्स्ट स्टेट होने वाला है वह कौन सा स्टेट आपका होगा, यहाँ पर त्रिपुरा। कौन सा, त्रिपुरा स्टेट होगा। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद आपका कौन सा स्टेट होगा, त्रिपुरा। अभी कितने बच्चे हैं, त्रिपुरा 5। ठीक है, त्रिपुरा का हम बताने वाले आपको, क्या नहीं दो ठो है। ठीक है, यहाँ पर बात करें त्रिपुरा, त्रिपुरा का जो आपका कट ऑफ होगा यहाँ पर 65 और 66। जनरल कैटेगरी जनरल एरिया का मेल का 65, फीमेल का कितना होगा, 66 होगा। त्रिपुरा में अगर बात करें यहाँ पर मेल का 61 और फीमेल का कितना होगा, 63 होगा। अगर बात करें ओबीसी का, मेल का 79 और फीमेल का 60। अगर बात करें ओबीसी नक्सल या बॉर्डर एरिया, मेल का 76 और फीमेल का 58। अगर बात करें एसटी जनरल एरिया, मेल का 50 और फीमेल का 53। दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें एसटी कैटेगरी, मेल का 49 और फीमेल का 51। एससी जनरल एरिया का, मेल का 55 और फीमेल का 63। ठीक है, अगर बात करें एससी नक्सल या बॉर्डर एरिया, मेल का 55 और फीमेल का 59। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें 57 मेल का और 55 फीमेल का। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर मेल का 56 और फीमेल का कितना होगा, 54। तो देखिए यहाँ पर त्रिपुरा का था और आपका बच गया क्या, तेलंगाना। तो त्रिपुरा के बाद यहाँ पर तेलंगाना लिख देते हैं। ठीक है, तेलंगाना का बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करो, अगर यहाँ पर ये हो जाएगा आपका तेलंगाना का। ठीक है, तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में आपका जो होगा मेल का 75 और फीमेल का 79। मेल का 75 और फीमेल का 79। अगर यहाँ पर बात करें तेलंगाना में 61 और 59 जनरल कैटेगरी में ही नक्सल या बॉर्डर एरिया के लिए। तेलंगाना में अगर बात करें 72 और 76। 72 मेल का, 76 फीमेल का। और ओबीसी का बात करें तो ओबीसी का ये जनरल एरिया क्या था, ओबीसी का नक्सल या बॉर्डर एरिया की तेलंगाना की बात करें तो कितना होगा, 63 और 65। कितना, 63 और 65। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें, एसटी कैटेगरी का आपका 95 और 77 होगा। कितना, 95 और 77। ठीक है, 95 और 77 होगा, 69 और 75। ठीक है, एसटी कैटेगरी में 69 और 75। 69 मेल का, 75 फीमेल का नक्सल या बॉर्डर एरिया। एससी कैटेगरी में अगर जनरल एरिया में बात करें, एससी कैटेगरी में आपका जनरल एरिया में कितना होगा, 63 और 74। कितना, 63 और 74। एससी कैटेगरी में नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो 55 और 63। कितना, 55 और 63 होगा। अगर EWS की बात करें तो EWS का आपका कितना होगा, चलना है 54 और 57। कितना, 54 और 57 जनरल एरिया के लिए। ये सब फाइनल कटअप है। ठीक है, ये सभी फाइनल कटअप है, 50 और 55। ठीक है, 50 और 55। अब आपका बच गया क्या, SSF, CISF, ITVP, SSF, CISF, ITVP, CRPF, BSF। तो इन सभी का हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, किसमें, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। इन सभी का नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, या कोई स्टेट मुझसे छूट गया गलती से तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।